मुझे इस बात का अफसोस है कि श्री नीतीश कुमार जी जिस दल का लंबे वक्त से नेतृत्व कर रहे हैं बिहार की सरकार में, अपने बूते आज तक वो सरकार नहीं बना पाई। इनको भी जब जब सत्ता में आना हुआ है तो नीतीश कुमार के पीछे ही लगे हैं, अपने से कभी सत्ता में नहीं आ पाए। हम लोग भले ही नहीं है तो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में जो महत्वाकांक्षा जो समय समय पर इनकी जगती है, जो 2013 में भी जगी और 2022 में भी जगी है, महोदय ऐसा दल जो कभी अपने बिहार में अपने बूते सरकार नहीं बनाई वो केंद्र में सरकार बनाने की बात करता है। महोदय इस देश की जनता जिसे चाहती है वही प्रधानमंत्री बनता है और ये हम सभी जानते हैं। हम कोई मुगालते में नहीं रहते हैं या हम कोई ऐसा सपना नहीं संजोते हैं जो मैंने हासिल करने के योग्य हम नहीं है। और हम 74 सीटों पर चुनाव जीते और इन्होंने 43 सीटों पर चुनाव दर्ज की, लेकिन हमारा नेतृत्व ने वादा किया था, एनडीए गठबंधन का नेतृत्व आप करेंगे श्री नीतीश कुमार जी, और हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यही एक ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, यही भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता भी है। महोदय इनके रंग को देख के हम लोग को भी कुछ देर लगा था कि ये लाली कुछ बिहार को भी देना चाहते हैं, और इसी लोभ में महोदय हम यह भी कहना चाहते हैं और आज हम सदन के माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं जो हमने इनके साथ संबंध क्यों बनाया था। हमने संबंध बनाया था कि हमें डबल इंजन का भरोसा दिलाया गया था और ये बात कही गई थी कि बिहार की जनता का विकास हम दोगुने गति से कर पाएंगे। लेकिन महोदय एहसास क्या हुआ, इनके साथ जा रहे थे और जो अनुभव हुआ फिर हमको यही महसूस हुआ कि भाई हमने तो आपके साथ जाके चांद और सितारों की तमन्ना की थी हमने, लेकिन रातों के स्याही के सिवा कुछ नहीं मिला। हमारे बैठे हैं माननीय मंत्रीगण जो पिछली दफा साथ में थे, एक कोई मंत्री ईमानदारी से बता दें कि इनको कभी केंद्र सरकार ने पूछा कि बिहार को क्या चाहिए, कोई बता दे हमको। जब 2019 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब साथ चुनाव लड़े तो बिहार में लोकसभा की सीट हम सब 39 जीते, जिसमें 16 जनता दल यूनाइटेड ने जीता और 17 हम जीते। यह जो 16 सीटें हैं ये नरेंद्र मोदी के बदौलत था महोदय, और नरेंद्र मोदी ने ये साख पैदा की पूरे देश में और बिहार की धरती पर की 40 में से 39 सीटें हम सब ने जीतने का काम किया महोदय। तो आज नितिन गडकरी जी जो आप ही के हम नाम है, उन्होंने उनकी हालत मंत्री परिषद में ये बना दी गई है कि वो राजनीति छोड़ने की बात कह रहे हैं। आज इनके केंद्रीय मंत्री परिषद में का ये आलम है कि जो नितिन नवीन जी बोल रहे हैं, जो बिहार के हित की बात करता है उसे राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ये केंद्रीय मंत्री परिषद का महोदय ये उनका आलम है।